टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। भारतीय विकेटकीपर जब दिल्ली देहरादून हाईवे पर रुड़की के पास पहुंचे, तो उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। पंत की कार इस टक्कर के बाद पलट गई और साथ ही उसमें आग भी लग गई। पंत को किसी तरह कार से बाहर निकाला गया और उनकी जान बची, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें लगी हैं। उनके सिर, पांव, हाथ और कमर में गहरे जख्म बताए जा रहे हैं और साथ ही उनका पांव भी टूट गया है। हालांकि सवाल ये है कि आखिर पंत के साथ ये हादसा हुआ कैसे, आखिर कैसे पंत की कार पलट गई। ऋषभ पंत शुक्रवार को दिल्ली से रुड़की की ओर आ रहे थे, जहां उनका घर है। जैसे ही उनकी कार नारसन कस्बे के पास पहुंची, तो डिवाइडर पर खंबे से टकरा गई और फिर वो पलट भी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंत खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे ही चूक हुई। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो ऋषभ पंत अकेले ही कार चला रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था। पंत को ड्राइविंग करते हुए झपकी आ गई और इस वजह से वो नियंत्रण गंवा बैठे। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए, और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। जिस अंदाज में कार ने खंबे और ड्राइवर को तोड़ा, उसे देखकर लगता है कि उनकी कार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रही होगी। इस रफ्तार के बाद ही कार पलटती है और उसमें आग लगने की आशंका होती है, और पंत के साथ भी यही हुआ है। गनीमत ये है कि पंत BMW कार ड्राइव कर रहे थे, जो कि एक मजबूत कार मानी जाती है, नहीं तो जिस तरह उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें जान बचना तो मुश्किल होता है। बता दें, ऋषभ पंत को लोकल लोगों ने अस्पताल तक पहुंचाया, उनके सिर पर गहरी चोट लगी है, साथ ही उनके पांव में भी फ्रैक्चर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पंत का हालचाल पूछा और अब उन्हें देहरादून के अस्पताल में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पंत को ठीक होने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं, साथ ही उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। वहीं बताया गया कि दुर्घटना स्थल से ग्रामीणों ने कार से कुछ रुपए भी उठा लिए। दरअसल एक्सीडेंट के बाद कुछ रुपए भी मौके पर पड़े हुए थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।